माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। अब सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 1926 में हाजी मस्तान का जन्म हुआ था। 1926 वही समय है जब मुंबई में मोटर बस की शुरुआत हुई थी। और हाजी 8 साल की उम्र में 1934 में समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचा था, जब भारत में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर घर के ठीक बगल में हाजी मस्तान के पिताजी ने साइकिल का पंचर लगाने की दुकान खोली थी। इस दुकान का नंबर 7 था। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंचर लगाता था। पंचर की दुकान इतनी चलती नहीं थी, इसीलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए इंदिरा डाक पर जहाज पर कूली का काम करने का फैसला किया, जहां पर उसे लोगों का सामान उठाना था। हाजी मस्तान ने यह देखा कि हज यात्रियों की जांच और तलाशी नहीं होती है। जहाज से उतरने के बाद हाजी लोग सीधे बाहर निकल जाते हैं। हज यात्री कितना भी सामान लाए, कोई पूछने वाला ही नहीं था। हाजियों के साथ हज से वापसी में हाजी मस्तान उनके खजूर के डिब्बे में डालकर सोना चांदी भरकर मुंबई लाने लगा। खजूर का डिब्बा उस समय 20 से 25 किलो का होता था। उसमें भरकर लोग आसानी से जिद्दा से सोना ले आते थे। हाजी मस्तान ने सोने की इसी स्मगलिंग के जरिए शुरुआत में पैसे कमाए और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बना। 1960 के दशक में भारतीयों के लिए हज यात्रा का रास्ता मुंबई से समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा जाने का ही था। मुंबई से ही हज यात्रा संभव होने के कारण देश भर के हाजी मुंबई आते थे। यही सरकार उन्हें वीजा देती थी और यहां से 90 दिन के सफर पर हज यात्री निकल जाते थे। हाजी मस्तान के साथ कई और कूली भी सोना चांदी की तस्करी में जुट गए। हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा भी सोने चांदी की तस्करी करते थे। जब भी जेद्दा से सोना आता था, मस्तान के लोग नूरा की एम्बेसडर कार, जिसका नंबर 28 था, उसमें सोना चांदी रखकर बाहर निकल जाते थे। करीब 10 साल तक सोने चांदी की स्मगलिंग करने के बाद साल 1970 में हाजी मस्तान ने बहुत पैसा कमा लिया। हाजी मस्तान ने हज यात्रियों के लिए बने मुसाफिर घरों के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। दुकानों में हाजी मस्तान ने एक क्लब बनाया, जिसका नाम डायमंड क्लब रखा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त के बड़े माफिया में करीम लाला, यूसुफ पटेल, वरद राजन जैसे नाम होते थे, वो भी डायमंड क्लब में आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात मुंबई के सभी गुंडों से हुई और वहां से उसका साम्राज्य चलने लगा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब लल्लू को उपहार में दे दिया। दोस्तों, एक बार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी के स्मगलिंग की खबर लगी। लल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। काफी पिटाई के बाद भी लल्लू ने जबान नहीं खोली। इस बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया था। मस्तान ने अपनी साइकिल की पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को नूरा 28 को गिफ्ट दे दिया था। दोस्तों, ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी प्रशांत नील अपनी फिल्म KGF 3 में लेकर आ रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिए। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।